मैसूर भजी या मैसूर बड़ा हम सभी को खाना पसंद होता है, लेकिन कई लोग मैदा खाने से परहेज करते हैं, इसीलिए वो नहीं खा पाते। तो आज मैं आपके लिए बिना मैदे के मैसूर भजी लेके आया हूँ, जो कि मार्केट में मिलने वाले बोंडा से कम टेस्टी नहीं लगते। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं वो देख ले। दोस्तों, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप पोहा लेकर उसमें काफ़ी सारा पानी डाल के अच्छे से धो कर लिया है, और धो लेने के बाद इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच पानी डालकर पोहा को भिगो कर लेना है। वैसे तो पोहा 2 या 3 मिनट में भीग जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसे आसानी से मैश होना चाहिए, ताकि पीसने के बाद पोहा के ज़्यादा पार्टिकल्स ना रहे। इसीलिए सिर्फ पोहा को ही मिक्सी के जार में डाल के साथ ही साथ एक नींबू का जूस, नहीं तो आधा कप दही डालकर पहले सिर्फ पोहा को ऐसे पीस लेना है। और साथ ही साथ हमें चाहिए भिगोए हुए चावल। ये मैंने 1 कप सादे वाले चावल को 2 घंटे भिगो कर लिया है। अब ये चावल को भी पोहा के साथ मिला के दोनों को एक साथ पीस लेते हैं। तो पीसते समय इस बात का आप ध्यान जरूर रखिए कि जितना हो सके उतना कम पानी का इस्तेमाल करके इस तरह का गाढ़ा और स्मूथ पीस लेना है। अभी इसे किसी मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ 1 इंच अदरक, थोड़े से चॉप किए हुए 4 से 5 कड़ी पत्ते, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची, आधा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चुटकी हल्दी और स्वादानुसार नमक डालकर पहले इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर आपका बैटर गलती से पतला हुआ है, तो आप 1 या 2 चम्मच बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करके परफेक्ट बैटर बना सकते हो। तो ऐसे मिलाने के बाद लास्ट में 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। और पहले मैं हरा धनिया डालना भूल गया था, तो अभी थोड़ा सा हरा धनिया डालकर फिर से दोबारा मिला कर लेते हैं। ये देखिए, फाइनली हमें ऐसा बैटर चाहिए। अभी चलते हैं भजी बनाने के लिए। तो इसे फ्राई करने के लिए पहले तेल को अच्छे से गर्म करके गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखकर एक एक भजी को तेल में छोड़िए। हाँ, साइज़ में आप छोटे या बड़े जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के बना रहा हूँ, तो फ्राई करते समय हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, नहीं तो बाहर से जल्दी ब्राउन होकर अंदर से कच्चे रहने के चांसेस होंगे। इसीलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे फ्राई करते रहिए, ताकि अंदर तक भी अच्छे से फ्राई हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि एकदम बढ़िया फ्राई हुए है। आप इसे भजी या बोंडा जो चाहे वो नाम दे सकते हो, लेकिन खाने के लिए लाजवाब लगते हैं, तो इसे बना के आप किसी भी मनपसंद चटनी के साथ या बिना किसी चटनी के भी खाओगे तो टेस्टी ही लगेगा। ये देखो, आप तोड़ने के बाद अंदर से भी मस्त जालीदार बना है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।